The college not only provided crucial medical assistance but also played a pivotal role in enhancing the basic living standards of the tribes there. We are so honored to have them with us today for this interaction. I quickly invite Madiha, who is the correspondent with the CSR Journal, to interact with our guest. I humbly invite on stage, ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Ravindra Kolhe and Smita Kolhe. And Madiha. जेंटलमैन, मेरा नाम है मदीहा खान मलिश्का. थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस. आज मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ और वो इसीलिए है क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे बड़े बड़े टास्क करने हैं, लेकिन उनमें से एक टास्क जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा घबराई हुई थी वो था ये साड़ी को पहनना. जब मैं वॉशरूम गई, तीन लेडीज़ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं मिली, उन्होंने मेरी मदद करी. और मदद क्या, उन्होंने ही ये साड़ी मुझे ड्रेप करके दी. मैं उनसे कभी नहीं मिली थी. मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई कि मैंने उन्हें गले लगा दिया और उन्हें कहा कि आप पहचान नहीं सकते मुझे कितनी खुशी हो रही है इस वक्त कि आपने मेरी मदद की. दिस इज़ हाउ इट फील्स टू बी हेल्प्ड. मेरी समस्या तो बड़ी सुपरफिशियल है, लेकिन इमेजिन करिए कि कोई इंसान जो सच में मदद चाहता है, उसे जब मदद मिलती होगी तो उसे कैसा लगता होगा. ऐसे ही हज़ारों लाखों लोगों को मदद करते आए हैं ये दो लोग, पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोल्हे जी और उनकी धर्मपत्नी पद्मश्री डॉक्टर स्मिता कोल्हे जी. रविंद्र जी, 85 के दशक से, उस साल से ये पूरी जर्नी शुरू हुई है. 38 इयर्स हो गए हैं. आपको लोग 1 रुपी डॉक्टर भी बुलाते हैं क्योंकि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ 1 रुपये लेते हैं. जो महाराष्ट्र का बैरागढ़ रीजन है, वहाँ पर आपने बहुत सारे बदलाव लाए हैं. लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि इन 38 इयर्स में, शुरुआत से लेकर अब तक, वो ऐसा कौन सा मोड़ था जो आपके लिए सबसे मुश्किल रहा? ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा मोड़ था जो मुश्किल रहा. हर मोड़ ही मुश्किल था, लेकिन मुश्किलों से ज़्यादा अच्छा है कि मुश्किलों से लड़ना. हम जब इंटर्नशिप में थे, यानी ये प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ था, उस वक्त हमने साइकिल से नागपुर से भोपाल और वापसी ऐसी एक जर्नी की थी. तो शुरुआत का दौर था, हम साइकिल चलाते थे, थक जाते थे. सामने पहाड़ी दिखती थी तो हम उधर से आने वाले लोगों को पूछते थे कि भाई कितने किलोमीटर आगे चढ़ना पड़ेगा. तो वो लोग बताते थे भाई 5 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, जैसा भी रहता था. लेकिन बाद में हम दोस्तों को ये ख्याल में आ गया कि हम नागपुर वैरायटी स्क्वायर से निकले और भोपाल होकर फिर नागपुर वैरायटी स्क्वायर ही पहुँचेंगे. मतलब कितनी चढ़ाई आएगी, कैन एनीवन आंसर? जीरो. जहाँ से निकले वहीं वापसी आना है, मतलब चढ़ाई जीरो है. ये जब हमारे ख्याल में आ गया तो ज़िंदगी का सफ़र, जैसे वो 10 दिन का सफ़र था, वो भी आसान हो गया और बाद में का ज़िंदगी का सफ़र भी आसान हो गया. क्योंकि जितनी मुसीबतें आती है उतनी आसानी भी होती है. जब हम पचमढ़ी चढ़े तो 40 किलोमीटर सीधा चढ़ना पड़ा तामिया से, लेकिन जब 40 किलोमीटर उतरना था, चढ़ने के लिए तो पूरे 10 घंटे लग गए, लेकिन उतरे 1 ही घंटे में. यानी टोटल हमारा जो स्कोर कार्ड था वो बराबर हो गया. वो नेक्स्ट डे जब उतरने का था, उस दिन हमने 80 किलोमीटर के बजाय 125 किलोमीटर की जर्नी तय की. तो इस तरीके से ज़िंदगी में भी होता है कि जितनी मुसीबतें आती है उतनी आगे आसानी भी आती है. जितनी हमने मुसीबतें झेली होंगी
उतनी आसानी भी हमको मिलती गई और सफर आसान होते गया। बिल्कुल, और सफर आसान कैसे नहीं होगा अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको वैसे ही मिले जो आपके विजन में आपका साथ दे। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ कि रविंद्र जी ने 4 शर्तें रखी थी उन्हें कैसी धर्म पत्नी चाहिए उसके लिए। तो स्मिता जी, उन शर्तों के बारे में और इस सफर के बारे में बताइए। जब हम शादी करने गए, यानी मुझे शादी करनी थी, तो जब रविंद्र कोल्हे जी को मैं देखने गई, आपको अच्छा लगेगा कि मैं एक नया पैटर्न मेरे जिंदगी में रखा कि मुझे लड़के देखने आते थे तो मुझे फिर कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि क्यों ना मैं लड़कों को देखने जाऊं। और बाबा आमटे की भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हो गई थी और मैंने दोस्तों को कहा कि मुझे शादी करना है और मुझे जिनको शादी करना है इनकी लिस्ट दो। और मेरे सामने जो लिस्ट आई तो उसमें कौन कौन शादी करना चाहता है, वहाँ भारत जोड़ो में तो बहुत से लोगों ने अपना अपना जमा लिया था, लेकिन कुछ बच्चे थे इनके जैसे हैं। और जब मैंने 2 डिग्री ली, पहले LLB किया, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि मैं लॉ के वकीली सेक्टर में मैं अच्छी नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे ये सच का झूठ और झूठ का सच नहीं जमेगा, मेरे स्वभाव में नहीं है, फिर मैंने डॉक्टरी सोचा और डॉक्टरी दवाखाना लगाया। और आश्चर्य ऐसा लगा कि मेरा दवाखाना इतना चला कि मैं नोटों छापने लग गई। और फिर उसके बाद में फिर क्या, जो पहला मॉडल साड़ी का मेरे पास आता था और मेरा कुछ जलवा ही था। और उसके बाद में मैं जब देखा तो फिर मैंने इतनी बन ठन के मतलब स्लीवलेस साड़ी के रंग का लिपस्टिक बदलता था, मेरी चप्पल और सब कुछ देखने लायक ही था। और ऐसी मैं लड़कों के घर में जाती थी पता मिलने के बाद में कि बन ठन के जाना और बेल बजाना, लड़का जब सामने आता है तो फिर हाँ मुझे ऐसा लगा कि सुनाई दिया कि आपको भी शादी करना है, आपका भी कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है, मैं भी शादी करना चाहती हूँ। और वो ज़माने में जब मैं जवान थी, वो ज़माने में ऐसी कोई लड़की एकदम सामने आती है तो लड़के की क्या स्थिति होती होंगी आप इमेजिन करते होंगे। और मुझे अभी इतनी देखती है तो बाद में तो बहुत ही देख लेंगी, इसलिए मुझे नकारी आता था। और इसके बाद में बहुत से ना सुनने के बाद में मेरा असिस्टेंट है, उन्होंने रविंद्र कोल्हे जी का नाम सुझाया और फिर एक समय में इनको दवाखाने में मेरे भेजा। और फिर जब मैंने इनके बात की, अब ये आए 2 घंटे बैठे वेट किया, एक सब जवान लड़कियां थी उस समय, आती थी दवाई लेती थी जाती थी, 2 घंटे के वेट करने के बाद में इनको मैंने स्टाइलिस्ट बुलाया, हाँ इधर आओ। और फिर ये बोले कि मुझे यहाँ कोई शादी के लिए एक लड़की मिलने वाली है। अब मेरी भी पहले ही टाइम था, कैसी बात करना, फिर मैंने भी हवा पानी की बातें की, लेकिन हवा पानी की बातें भी कब तक करना। तो मैंने बोले कि चलो मुद्दे को हट डालो, जो होएगा देखा जाएगा। और मैंने फिर बताया कि ऐसा है कि आपके लिए जो शादी की लड़की है ना, वो मैं ही हूँ। उसके बाद में इन्होंने देखा ऊपर से नीचे, मेरे घुटने के नीचे तक बाल थे, उसकी हेयर स्टाइल स्लीवलेस लिपस्टिक ऊपर से नीचे देखने के बाद इनको लगा रॉन्ग नंबर लगा। और उसके बाद में उठने लग गए, मैं बोला कि अरे इतनी मुश्किल से यहाँ तक लड़का आता है और ऐसे ही जाना अच्छा नहीं। मैंने बोला कि बैठो बैठो, जब ये बाटली का ज़माना नहीं था, लोटा ग्लास में पानी रहता था, तो मैंने पानी पिलाया, मैंने पानी पियो, एकदम जल्दी मत करो। तो फिर बैठे, मैं बोली पहले अपन बात करेंगे,
फिर हमने बात की बात की बात की बात की, इन्होंने इनके लफड़े बताए, मैंने मेरे लफड़े बताए, और उसके बाद में ट्रायल मैरिज करने का हमने पक्का किया कि जब तक टिका तक टिका, नहीं तो तू नहीं तो और सही, और नहीं तो ऐसे ही। इसमें मैंने इनको शादी का हमारा हुआ, फिर अभी इनके बहन के यहाँ गए और फिर मेरे पिताजी को बोला कि भाई क्या ये लड़का है ये मेरे से ही शादी करने का बोलता। तो मेरे पिताजी हरदम पढ़ते रहते थे, यहाँ तक चश्मा नाक के नीचे तक, ऊपर से हमको देखते थे नीचे से पढ़ते थे, इनके तरफ देखा और बोला कि क्या नाम क्या लड़के का। और गम्मत ऐसी, जो मराठी समझते हैं उनको अच्छा समझेगा, मेरा नाम था स्मिता मांजरे, यानी मांजरे यानी बिल्ली। और मेरी फ्रेंड्स कावड़े बोकड़े वाघ ऐसे सरनेम की, तो मेरे पिताजी मुझे ने हरदम बोलते थे कि ऐसे नाम के तेरे को मिलते हैं। फिर मैंने बोला हाँ नाम क्या लड़के का, मैंने बोला रवि कोल्ले। फिर मेरे बाप ने बहुत देखा और बाद में बोला कि हाँ ऐसे नाम वाले के साथ तेरा जम जाता है, इतने जल्दा हरा कंदील मिलेगा ऐसा लगा नहीं। जो हम वहाँ से दोनों भागे, 2 दिसंबर 1988 में हमने 1 महीने नोटिस दी और ये ऐसे यहाँ आपके सामने अभी तक बैठे, कल क्या होगा नहीं मालूम। क्या बात, और थोड़ा सा टाइम मांजरे और कोल्ले हम मेलघाट में गए, उसके बाद में लोगों ने हमको जो लकड़ियाँ का घर कच्चा कर रहता ना, तो हमको घास वगैरह डाल के जो आप टीवी में झोपड़ी देखते हैं हमारे यहाँ उसको घर बोलते हैं, और ये जो सरकारी मिलते हैं ना उसको झोपड़पट्टी बोलते हैं। तो हमको ऐसा घर बांध दिया लोगों ने, हमारा अच्छा संसार चालू हो गया, हर दिक्कतें हमारी हुई। और बाद में ये MD होने के बाद में ये ट्रेनिंग लेने को चाहते थे, तो एक आदमी आया और बोला कि अभी ये तैयारी करने लगे कि हमने बोला कि भाई हाँ नाम क्या है तुम्हारा, तो बोले डॉक्टर बोकी। मैंने बोला बट टाइम हो गया, बहुत देर हो गई, मेरे डॉक्टर बोके पहले आप मिलते थे तो मैं क्यों ये कोल्ले के पीछे लगती थी। और इसके बाद में हमारी शादी हुई और हम यहाँ बेलघाट में आए। क्या बात है, और ये शादी इतनी लंबे समय तक टिकी जो आपने ट्रायल के तौर पर शुरू किया था। एक ट्रेंड शुरू किया रविंद्र जी ने 5 रुपए की शादी का, क्योंकि उस दौरान हाँ, जो हमारे शर्तें हैं, तो जैसे पर पेशेंट 1 रुपया लेते थे और रुकना है नहीं ना थोड़ी देर। स्मिता जी, जैसे कि आपने बताया कि पर पेशेंट 1 रुपए लेते थे और आपकी जो शादी है उस वक्त जो रजिस्ट्रेशन करीबन महीने में 400 पेशेंट्स आते थे, यानी 400 रुपए महीना इनको मिलता था। तो पहली शर्त थी कि 400 रुपए में घर संसार चलाना, दूसरी शर्त थी कि 40 किलोमीटर पैदल चलना, यानी तालुका प्लेस से 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, तीसरी शर्त थी कि 5 रुपए में शादी, यानी रजिस्टर को 5 रुपए लगते थे, और चौथी शर्त थी कि दूसरों के लिए भीख मांगने की तैयारी जी। ऐसे तो 4 शर्तें थी, ये थी वो 4 शर्तें जिन पर सिर्फ और सिर्फ स्मिता जी खरी उतरी। आपने बहुत ही खूबसूरती से इस जर्नी को बताया और आप दोनों ने जो काम किया है आज तक, सिर्फ एक गांव नहीं पूरे जिले का आपने विकास किया है, और आपकी जो मदद करने की जो तरीका है वो बहुत ही अलग है कि आप सिर्फ लोगों को दान करके रुक नहीं जाते, उन्हें सक्षम बनाते हैं। स्मिता जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ही प्यारा गाती हैं, तो 4 लाइनें मैं आपसे आखिर में बस सुनना चाहूंगी प्लीज। जी मैं आपके लिए अच्छा तो नहीं गाती हूँ, लेकिन जो कुछ भी कोई अपने खुशी के लिए घर की रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते, छीट कर थोड़ा चारा कोई उम्र की हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते, हो किसी के लिए
मखमली बिस्तरा हो किसी के लिए, मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाए न हो, शाम सहमी न हो रात हो न डरी, भोर की आँख फिर डबडबाए न हो, इसलिए जोरदार तालियां। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। मैं एक और बात बताना चाहूँगी, इनके काम के बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो पूरी शाम भी कम पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर रविंद्र जी और डॉक्टर स्मिता जी ने सिर्फ हेल्थ केयर के फील्ड में काम नहीं किया है, ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, दैट एजुकेशन मस्ट नेवर स्टॉप। ये अपनी पढ़ाई करते गए, इन्होंने फार्मिंग के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं। आज इनके दोनों बेटे फार्मर्स, एक बेटा फार्मर है और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो उदाहरण पे उदाहरण ये सेट करते आए हैं। मैं आपसे आखिर में सिर्फ आपके बेटे के जो काम है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने यूथ के लिए एक प्रेसिडेंट सेट किया है, उसके बारे में बस दो लाइनें सुनना चाहूँगी आपसे। जी हाँ, मेरा बेटा जब बड़ा बेटा जब चौथी में था, फोर्थ स्टैंडर्ड में, तब से वो चाहता था, उसको जानवरों के प्रति काफ़ी लगाव था कि वो वेटरनरी सर्जन बने, लेकिन जैसा वो सातवीं आठवीं में आया तो उसको ख्याल में आ गया कि एनिमल इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ए पार्ट एंड पार्शल, एक छोटा पार्ट है, और फिर उसने एग्रीकल्चर में उसका इंटरेस्ट लेना शुरू किया और आठवीं से दसवीं वो इंटरेस्ट उसका बढ़ते गया। मेरे अनजान में वो सातवीं में ही ट्रैक्टर चलाना सीख गया। आगे जाकर उसने एग्रीकल्चर में पढ़ाई की और मेलघाट में जब वो वापस आया एग्रीकल्चर का डिप्लोमा करके, तो उसने जो हमने एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट शुरू किया था उसमें काफ़ी डेवलपमेंट की, और एट द एज ऑफ 21 ही वॉज अर्निंग 20 लाख रुपीज़ एट दैट टाइम। जो IIT से पोस्ट ग्रेजुएट होता है उसका पैकेज 20 लाख का उस वक्त होता था, वो उसने अर्निंग करना शुरू किया। मैंने शादी का प्रस्ताव रखा, काफ़ी हमारे दोस्तों ने विरोध किया, रिश्तेदारों ने विरोध किया कि 21 साल कोई शादी की उम्र होती है क्या, वो भी लड़के की, लेकिन मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर साहू जी, उन्होंने यस कर दिया क्योंकि ही इज सेल्फ सफिशियंट और कोई हर्ज नहीं, लीगली ही इज ऑल्सो फिट फॉर मैरिज, और उसकी शादी 21 साल पूरे होने के बाद में हुई। और फ्रॉम दैट डे ही एंड हिज वाइफ कभी उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा, और वो एग्रीकल्चर में आने के कारण हमारे जो ट्राइबल्स थे उन्होंने भी अपने बच्चों को एग्रीकल्चर में प्रमोट किया, वो भी बच्चे एग्रीकल्चर डिग्री डिप्लोमाज करके वापस आए, और यंग यूथ एग्रीकल्चर में आने के कारण जवान हाथ खेती में आए और बुढ़े बाप की तकलीफ दूर हो गई और प्रोडक्शन अपने आप बढ़ते गया, और एट प्रेजेंट हिज टर्नओवर इज बियॉन्ड 1.5 crores। उसके कारण नतीजा ये निकला कि यंग हाथ खेती में आए तो विदर्भ में एग्रीकल्चरल रिस्क के सुसाइड्स है, लेकिन मेलघाट में एग्रीकल्चरल जो प्रोफेशन है उसमें सुसाइड नहीं है, और वो सुसाइड फ्री जोन मेलघाट बन पाया विदर्भ में होने के बाद में भी। दूसरी एक बात ऐसी हुई कि यंग जनरेशन एग्रीकल्चर में आई, प्रोडक्शन बढ़ा एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ नक्सलाइट जब मेलघाट में आए तो उस वक्त इन यंग लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया और उनके खिलाफ एक्टिविटीज़ की कि नहीं, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, इसलिए नक्सलवाद से मेलघाट उनके टेररिज्म से फ्री रह पाया। ये एक सेकंड अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि मेलघाट में मेरे लड़के ने एग्रीकल्चर प्रोफेशन लेने से लिया। जो मेरा छोटा लड़का था उसने मेडिकल कोर्स ज्वाइन किया, उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन, हर मेडिकल कॉलेज देना चाह रहा था क्योंकि वो एक डॉक्टर कोहले का लड़का था, सोशल एक्टिविस्ट का लड़का था, लेकिन उसने कहा कि नहीं बाबा, जो
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे रहते हैं, उनके साथ में मैं अगर 5 साल रहूंगा तो फिर मैं मेलघाट में वापस कैसे आऊंगा, क्योंकि वो 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करते हैं और वो बच्चे, उनके हॉस्टल भी उसने जाके देखा तो वो सब एसी हॉस्टल्स थे। और उसके बाद में उसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से नीट पास करके एडमिशन लिया और आज वो MBBS होके मेलघाट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एक कहावत है, वी आर ऑल इन द गटर्स बट सम ऑफ अस आर लुकिंग एट द स्टार्स, वो यहाँ पर बहुत ही फिट बैठती है। एक बार जोरदार तालियां रविंद्र जी और स्मिता जी के लिए, उनके काम के लिए और यहाँ इस मंच पर आकर हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।